गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आते हैं, उस समय का जो सत्संग घर का माहौल होता है वहाँ देखते ही बनता है। सत्संग जी, जब बाबा जी महाराज जी स्टेज पर आने वाले होते हैं, उस समय जब पर्दा खुलता है तो सारी संगत बाबा जी महाराज जी की एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए अपने दोनों हाथ को जोड़े हुए और स्टेज की ओर टकटकी लगाए हुए बैठी रहती है। कुल मालिका इतनी शिद्दत से इंतज़ार करती है कि बस एक नज़र, एक झलक वह मालिक हमें देख ले और हमें निहाल कर दे, यानी कि हम पे वह कुल मालिका अपनी दया दृष्टि डाल दे। सत्संग जी, देखिए बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आते हैं और स्टेज पर आने के बाद जब 2 से 5 मिनट के लिए जो सत्संग घर का माहौल रहता है वो एकदम से बिल्कुल शांत हो जाता है, खुश मिजाज हो जाता है। वहाँ पर इतनी शांति और इतनी सुकून आ जाती है कि वहाँ पर जो लोग बैठे उनकी सांसों तक की आवाज़ सुनाई देना लग जाती है। उस 2 से 3 मिनट में बाबा जी पीछे से लेकर आगे और लेफ्ट से लेकर राइट तक सारी संगत जो बैठी रहती है उन पर दया मेहर भरी दृष्टि डालते हैं। जो संगत पीछे बैठी होती है और जो आगे बैठी रहती है वह सभी कुल मालिक की दया मेहर से उन पर दया दृष्टि कुल मालिक की पड़ती है। सात संगत जी, देखो पीछे बैठी होती है वह संगत और वो सोचती है कि बाबा जी ने तो हमें देखा ही नहीं होगा, तो ऐसा सोचना उनकी गलत फहमी है, क्योंकि बाबा जी पंडाल में मौजूद हर एक छोटे से छोटे ड्यू पर भी अपनी दया दृष्टि डालते हैं। तो ऐसे ही एक दिन बाबा जी ने सत्संग फरमाया, उस सत्संग में एक 10 से 12 वर्ष का एक छोटी सी बच्चा और बच्ची अपनी माताजी के साथ आए हुए थे। यह उत्तर प्रदेश के नोएडा से आए हुए थे। ये माँ और बेटा बेटी अभी लगभग 2 भंडारे लेने के लिए आए हुए थे, यानी कि लगभग 7 से 15 दिन के लिए वह डेरे ही रहने वाले थे, क्योंकि ये बहुत दूर से गुरु घर सत्संग सुनने के लिए आए थे और बच्चे की माँ को डेरे में सेवा करना बड़ा ही अच्छा लगता था और वह दोनों बच्चों को भी सत्संग में सेवा करना और सत्संग को सुनना और कुल मालिक के दर्शन करना बहुत ही सुंदर लगता था। सत्संग जी, तो सत्संग वाले दिन बच्चा अपनी माँ के साथ पांडाल में सबसे पीछे की ओर बैठा हुआ था, क्योंकि बच्चों के साथ माँ बाप को भी एक छोटे वाले स्टैंड में बिठा दिया जाता है। जब बाबा जी संगत पर दया दृष्टि डाल रहे होते हैं तो बच्चा अपनी माँ से पूछने लगा कि माता जी, आगे वाली संगत कितनी खुश मिजाज है और कितनी किस्मत वाली है, उनके तो देखो सौभाग्य कितना अच्छा है। तो उनकी माता जी ने कहा कि बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वह बच्चा कहने लगा कि वो बाबा जी को और बाबा जी उनको कितनी आसानी से और कितनी करीबी से देख रहे हैं, यानी कि वह बाबा जी को अपने पास इतने करीब से देख रहे हैं और कुल मालिक की दया दृष्टि भी उन पर पड़ रही है, बाबा जी की वह दया भरी मेहर उन पर हो रही है। तो उनकी माता जी ने समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं है, बाबा जी वह कुल मालिक के लिए तो उनकी सारी संगत एक जैसी है और बराबर है, वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और बाबा जी पीछे से लेकर आगे तक हर एक जीव पर दृष्टि डालते हैं। तो वह लड़का कहने लगा, माँ इतनी पीछे बाबा जी को क्या दिखाई देता होगा। तो उन माता जी ने समझाया, बेटा बाबा जी हर एक को देखते हैं, वह हर एक जीव की जानते हैं और हर एक जीव पर दया दृष्टि डालते हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू कभी आजमा कर देख लेना। तो वह लड़का बड़ी ही मासूमियत के साथ कहने लगा, माँ अगर सवाल जवाब में बाबा जी से मैंने पूछा कि बताओ मैं कौन से रंग की कमीज यानी कि कपड़ा पहन के बैठा हूं, तो क्या बाबा जी महाराज जी बता पाएंगे। सात संगत जी, तो माँ ने समझाया, बेटा सवाल जवाब के लिए पहले नामदान तो मिलना चाहिए ना, और नामदान अगर नहीं भी मिला तो वहां पे आपका नाम तो लिखा होना चाहिए ना, और उसके बाद भी अगर मौका मिलता है तो ही हम बाबा जी से कुछ पूछ सकते हैं। सात संगत जी आगे उन्होंने कहा, और बाबा जी से सिर्फ रूहानियत के सवाल करने चाहिए बेटा, ये ऐसा नहीं कि हम उनको दिखे वो हमें ना दिखे, क्योंकि बाबा जी से बात करने का मौका बड़ी ही मुश्किल से बड़े ही सौभाग्य से मिलता है, और इधर उधर के सवाल करके इस मौके को बेकार नहीं करना बेटा। अब वह लड़का क्योंकि इतना बड़ा नहीं था तो वो अपनी माता जी की बात को समझ नहीं पाया और कहने लगा कि माता जी फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कुल मालिक ने हम पर भी अपनी दया भरी दृष्टि को डाला है।
तो उनकी माँ ने समझाया और हंसते हुए कहा कि ठीक है बेटा, जब तुझे कभी भी सवाल जवाब का मौका मिले तो तेरी बारे में पूछ लेना और उनसे कह देना कि मैंने किस तरह के कपड़े पहने। फिर वहाँ बालक उस माताजी की बात सुनकर कहने लगता है कि हाँ माँ, आप हमेशा कहती हो कि जो बाबा जी को अच्छे मन से और प्रसन्न मन से याद करते हैं, उनको भरोसा रखते हैं, उन पर उन्हें याद करते हैं, तो बाबा जी उनसे ज़रूर मिलते हैं। तो माता जी ने समझाया, बेटा सच्चे मन से अगर उस मालिक से प्रार्थना करोगे तो बाबा जी जरूर सुनेंगे और आपको मिलेंगे भी सही। बाबा जी देखिए अपनी संगत को कभी भी नाराज या दुखी नहीं देखते। ये सुनकर वह बालक बड़ा ही प्रसन्न हो गया और फिर उसने बाबा जी महाराज जी से सवाल जवाब में सवाल करने के लिए नाम भी लिखवा दिया। लेकिन उसको मौका मिल पाया तो वो बड़ा ही उदास हो गया, यानी कि उस दिन उसको मौका नहीं मिला। सत्संग जी फिर उनकी माता जी ने समझाया, बेटा तू फिक्र मत कर, तूने बाबा जी को सच्चे मन से याद किया, उनको सच्चे दिल से सच्चे हृदय से उनको पुकारा, बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल जरूर रचाएंगे और तू बस उन पर भरोसा रख और कभी हिम्मत मत छोड़ना, हार कभी मत मानना, बाबा जी तुझसे बात जरूर करेंगे। सत्संग जी फिर आने वाले जो अगला सेशन था, यानी कि सैटरडे या संडे के लगभग जो बाबा जी ने बच्चों के सवाल जवाब करने थे, तो इस बच्चे ने भी अपना नाम लिखवा दिया और नाम लिखवाते हुए यह बालक आंखें बंद करके सेवादार के सामने ही बोले जा रहा था कि बाबा जी इस बार मेरी पर्ची निकाल देना, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। सत्संग जी ये देखकर नाम लिखने वाले सेवादार भी बहुत ही प्रसन्न हुए और बच्चे से पूछने लगे कि बेटा तू किसके साथ आया है। तो वह बालक ने कहा कि मैं अपनी माताजी के साथ आया हूँ। सत्संग जी फिर उस लड़के ने कहा कि क्या मेरी पर्ची निकलेगी। तो वे जो सेवादार भाई बहन थे वहाँ कहने लगे कि बेटा ये तो तेरे नसीब पर निर्भर करता है, अगर उस मालिक ने दाता दयाल ने चाहा तो जरूर निकलेगी, लेकिन तू कभी भी भरोसा मत छोड़, तेरी जो एक विश्वास की डोर है वह देखकर मेरा दिल भी कहता है कि तेरी पर्ची जरूर निकलेगी। तो सत्संग जी जब वहाँ उस बालक की पर्ची निकल गई तो इस बालक की पर्ची भी इस बार निकल आई और इसका सवाल पूछने का नंबर सबसे आखिर में था। तो सत्संग जी पंडाल में जो जो बच्चे की पर्ची निकली थी उन सब ने कुल मालिक से बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल किए और बाबा जी ने उन बच्चों को खूब हंसाया और उन्हें रूहानियत भरी बातें भी सुनाई। आखिर में वह लड़के का नंबर भी आया तो यह लड़का हाथ में माइक लेकर चुप होकर खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोला। सत्संग जी सेवादार भाइयों ने बच्चे को इशारा किया कि बेटा पूछ लो बाबा जी से जो तुम्हें कुछ कहना है, लेकिन बच्चा जो बालक था वह थोड़ा छोटा था इसलिए घबरा रहा था। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा घबरा मत, जो भी मन में है, जो सवाल है, तेरी इच्छा है पूछने की वो पूछ ले, मन में कोई सवाल रख कर यहाँ से जाना नहीं। तो कुल मालिक की बात सुनकर वहाँ बालक में हिम्मत और विश्वास आ गया और बच्चे कहने लगा कि बाबा जी मेरी माता जी कहती है कि जब आप स्टेज पर आते हो तो आप पंडाल में बैठी अपनी संगत के हर एक पर दया दृष्टि डालते हो, चाहे कोई भी संगत कितनी दूर क्यों ना बैठी हो, चाहे वह आगे बैठी हो या पीछे बैठी हो, आप सभी पर दया दृष्टि डालते हो। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को जवाब दिया कि बेटा गुरु के लिए तो उसकी संगत ही उसका परिवार है और उसी के लिए सब कुछ है। एक पिता की दृष्टि अपने हर बच्चे पर बराबर होती है, चाहे कोई दूर बैठा हो या कोई पास हो। तो वह लड़का आगे बाबा जी से पूछने लगा, बाबा जी आप गलत मत सोचना, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। तो सत्संग जी वहाँ जो बालक था उसने जब ऐसा कहा तो बाबा जी महाराज जी ने कहा ठीक है पूछ ले। तो उसने कहा कि बाबा जी बताओ जब मैं पीछे बैठा था तो मेरी कौन से रंग की शर्ट थी। तो बाबा जी ने बच्चे की मासूमियत से देखकर बड़े ही प्रेम प्यार से उसे जवाब दिया। सत्संग जी देखिए बच्चे के मासूम से भरे इस सवाल को सुनकर बाबा जी भी मुस्कुराने लगे और कहने लगे तू अपने गुरु की परीक्षा ले रहा है ना, मेरा इम्तहान ले रहा है। तो वहाँ बालक कहने लगा नहीं बाबा जी, मैं तो अपना विश्वास अपनी श्रद्धा आपके ऊपर और ज़्यादा गहरा करना चाहता हूँ। इस बच्चे के सवाल को सुनकर वहाँ बैठी सारी संगत हैरान हो गई कि इतनी सी उम्र में इस बालक ने अपना सवाल भी पूछ लिया और किसी को बुरा भी नहीं लगने दिया। तो बाबा जी ने उसको हंसते हुए कहा बेटा मुझे पता है उस दिन तूने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। ये बात सुनकर बच्चा हैरान हो गया
और उसको अपनी माताजी की बात याद आ गई कि उसकी माँ ने कहा था कि बाबा जी की दया दृष्टि सभी पर बराबर से होती है, वे कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, उनके लिए सभी एक जैसे हैं। और वो बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मेरी मम्मी जो है वो सच कहती थी कि बाबा जी सबको देखते हैं, मेरा विश्वास अब आपके ऊपर अटूट हो गया और भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और उसके बाद सवाल जवाब प्रोग्राम खत्म हो गया जी। फिर बच्चे की माँ ने बच्चे से कहा कि अब तो आपको यकीन हो गया ना बेटा, बाबा जी सबकी संभाल करते हैं, उनकी दृष्टि सभी पर पड़ती है। और वहाँ बच्चा कहने लगा कि हाँ माता जी मुझे बिल्कुल भरोसा हो गया है। सत्संगत जी, दृष्टि तो बाबा जी महाराज जी की सभी पर पड़ती है, लेकिन जब हम सत्संग घर सत्संग सुन रहे होते हैं तो कुल मालिक को तो हमारे मन में उठ रहे विचारों का भी पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं और किस बात को लेकर वहाँ बैठे और क्या मांगने गए हैं। बाबा जी को सब कुछ पता रहता है, पंडाल में कौन कौन सत्संग को ध्यान से सुन रहा है और कौन क्या इच्छा लेकर आया, किसका धन दुनिया की बातों में। तो सत्संगत जी, जब हमें सत्संग घर में सत्संग सुनने का, कुल मालिक के दर्शन करने का मौका मिले, तो उस एक घंटे या एक घंटे 10 मिनट के सत्संग में हमें पूरा समय देना चाहिए और इधर उधर की बातों को ध्यान में नहीं लाना चाहिए, अपने गुरु के हवाले अपने आप को कर देना चाहिए। दुनियावी चीज़ों को सोचने के लिए तो सत्संग में हम गए हैं कि दुनिया की चीज़ छूट जाए, लेकिन हम जब सत्संग में जाते हैं तो दुनिया की बातों को भी याद करने बैठ जाते हैं। तो सत्संग जी, कोशिश करें कि जब आपको सत्संग घर जाने का मौका मिले तो आप बड़े ही प्रेम प्यास गुरु के वचनों को सुने और वहाँ पे कोई भी इच्छा लेकर ना बैठे, उस मालिक को इतना निहारे और इतने शिद्दत से सत्संग को सुने कि आपका वहाँ एक घंटा आपके जाने के लिए सफल हो जाए। तो सत्संग जी एक बहुत ही प्यारी साखी थी एक छोटे से बच्चे की। और देखिए, बाबा जी महाराज जब स्टेज पर आते हैं तो यह बहुत ही अच्छा और पवित्र वहाँ का ऐसा माहौल हो जाता है कि वहाँ पर सभी एक घंटे के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सत्संगी भाई हैं कि एक घंटे के लिए भी वो दुनिया की बातों को नहीं भूलते, उनका मन चलायमान हो जाता है, वो बाहर घूमते रहते हैं। तो कोशिश करें कि अपने मन को सत्संग में लगाए और हर एक वचन को ध्यान से सुने। तो सत्संग जी है साकी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और सदगुरु प्यार चैनल के ऐसे वीडियो अपडेट पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।